अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोइट एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आपने ऑनलाइन डिजिटल बुक्स में ऐसे पेज टर्न इफेक्ट्स अक्सर देखे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लिप बुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें ये पेज टर्न इफेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। चाहे आप कोई मैगजीन क्रिएट कर रहे हों, कोई फ़ोटो एल्बम बना रहे हों, या फिर किड्स लर्निंग की कोई बुक क्रिएट कर रहे हों, आप बग़ैर किसी एक्सपर्टीज़ के ये इफ़ेक्ट्स ईजीली अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ। फ्लिप बुक क्रिएट करने के लिए किसी भी ब्राउज़र में आप canva.com टाइप करें, उसके बाद एंटर करेंगे तो कैनवा स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपने कैनवा एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है तो आप डेस्कटॉप से भी कैनवा स्टार्ट कर सकते हैं। कैनवा प्रो रजिस्टर्ड करने की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो वीडियो देख के आप फ्री में कैनवा प्रो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फ्लिप बुक क्रिएट करने के लिए होम पेज पे आपने सर्च में फोटो बुक टाइप करना है। जैसे ही आप फोटो बुक टाइप करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ से आपने फोटो बुक लैंडस्केप पे क्लिक करना है। यहाँ आपके पास फोटो बुक के डिफरेंट टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से कोई भी टेम्पलेट आप ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये आपके पास एक अनटाइटल्ड डिज़ाइन पेज ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हमने इस बुक के लिए टाइटल पेज क्रिएट करना है। टाइटल पेज क्रिएट करने के लिए आपने लेफ्ट साइड पे पेन में एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है कलरिंग बुक टाइटल। इसके बाद आपने फोटोज पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइटल्स आ गए हैं, इसमें से कोई भी एक टाइटल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये टाइटल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसे एडजस्ट कर लिया, तो ये आपका टाइटल पेज क्रिएट हो गया है। इसके बाद आपने ऐड पेज पे क्लिक करना है। ये आपके पास एक ब्लैंक पेज आ गया है। अब सबसे पहले आपने इस पेज का बैकग्राउंड कलर सेट कर देना है। तो बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए आप बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके आप कोई भी कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर सेट कर देता हूँ, तो ये आपके पेज का कलर सेट हो गया है। बैकग्राउंड कलर सेट करने के बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप कर लेना है और उसके बाद इस टेक्स्ट को रिसाइज कर लेना है। इसके बाद इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। दोबारा ऐड हेडिंग पे क्लिक करें और ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दें। अब इसी टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। इस कलर को आप एडजस्ट कर लें। टेक्स्ट ऐड करने के बाद दोबारा आपने एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है एप्पल स्केच। इसके बाद आपने ग्राफिक्स पे क्लिक करना है। अब ये आपके पास डिफरेंट एप्पल के स्केचेस आ रहे हैं, इसमें से कोई एक स्केच आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्केच ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ आपने फोटोज पे क्लिक करना है और एप्पल का कोई एक फोटो आप यहाँ पे ऐड कर लें। इसी तरीके से आपने दोबारा ऐड पेज पे क्लिक करना है। ये आपके पास एक न्यू पेज ऐड हो गया है। अब टेक्स्ट हम पहले वाले पेज से यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर लें और इस टेक्स्ट को आप एडिट कर लें। इसी तरीके से आप दोबारा यहाँ पे बनाना का स्केच ले लेंगे। ग्राफिक्स पे क्लिक करें
और बनाना का कोई एक स्केच यहाँ पे ऐड कर लें। इसी तरीके से हम यहाँ पे फोटो में से कोई एक फोटो ले लेते हैं। इस तरीके से आप पेज ऐड करते जाएं और अपनी बुक को आपने कंप्लीट करना है। जी व्यूवर्स, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी बुक यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और इसके एंड पे मैंने एक पेज ऐड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस बुक को फ्लिप बुक में कन्वर्ट करना है, जिसमें आपके पास पेज टर्नओवर एनिमेशंस होंगी। फ्लिप बुक में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप शेयर पे क्लिक करें, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपके पास मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च बार में आपने टाइप करना है हाइजीन फ्लिप बुक। ये आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज 1 to 10 सेलेक्ट हुए हैं। आपने ड्राप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके ऑल पेजेस सेलेक्ट करने हैं ताकि तमाम पेजेस आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएं। उसके बाद आपने डन पे क्लिक करना है और इसके बाद सेव पे क्लिक करें। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्लिप बुक में। यहाँ अब आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने व्यू इन हैज इन फ्लिप बुक्स इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये फ्लिप बुक प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे फ्लिप बुक क्रिएट हो चुकी है। अब ये फ्लिप बुक जो है ये एल्बम की शेप में है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास पेज इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एल्बम की बजाय मैगजीन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब मैगजीन सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देखेंगे ये मैगजीन की टाइप में आपको शो हो रही है। इसी तरीके से पेज इफेक्ट्स में आप डिफरेंट इफेक्ट्स जो है अपनी बुक में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे स्लाइडर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास स्लाइडर की शेप में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इसको कार्ड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये बुक आपके पास कार्ड्स की शेप में आ जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ऑडियो जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑडियो अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। बुक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास शेयर का ऑप्शन आ रहा है, अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक लिंक आ रहा है, इस लिंक को आप कॉपी करके किसी के साथ भी शेयर कर दें तो वो इस लिंक से इस बुक को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं इसको न्यू ब्राउज़र पे ओपन करके देख लेता हूँ। ये लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है तो ये आप देख सकते हैं कि लिंक से मैंने बुक ओपन कर ली है और इस बुक को मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।